वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में जाननी है। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसे वृद्धि प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है व कायिक प्रजनन इत्यादि नामों से जाना जाता है। देखिए, वृद्धि प्रजनन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसमें एक सिंगल प्लांट के द्वारा एक नए प्लांट्स को जनरेट किया जाता है। उदाहरण बताएंगे, उदाहरण के रूप में हमें यहाँ पर डायग्राम में देख लेनी है, जैसे कि पोटैटो की बात करेंगे। पोटैटो में एक आइज बनता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आइज ऑफ पोटैटो कहेंगे। इस आइज नुमा स्ट्रक्चर जनरेट होता है, इसी स्ट्रक्चर से या फिर इसी पोटैटो को जब हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं या फिर रोप देते हैं, जिससे एक नया आलू का पौधा विकसित हो जाता है। जिंजर की बात करेंगे, अदरक की बात करेंगे, इस प्रकार से एक बर्ड्स का निर्माण होता है और यही बर्ड्स एक न्यू प्लांट को जनरेट करता है और साथ ही एडवेंटियस रूट को भी जनरेट करता है। अब इसी प्रकार से हम लोग अगले क्रम में आते हैं, ब्रायोफिलम के बारे में बात करेंगे। इस ब्रायोफाइलम की बात करते हैं, इसमें एक पत्ती में ही छोटा सा बर्ड निकलेगा और इस पत्ती का विकास हो जाता है। विकास होने के बाद यही एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर सकता है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पेरेंटल प्लांट से नए पौधे की उत्पत्ति हो रही है। और इसी प्रकार से एक अगला प्लांट लेते हैं, ये है हाइसिंथ है, ये हाइड्रो प्लांट है, वाटर में सर्वाइव करते हैं। इस प्लांट में भी एक स्ट्रक्चर यहाँ से इस प्रकार से डेवलप कर जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट कहते हैं, या फिर हाइसिंथ के ऑफसेट कहेंगे। ये बाद में एक न्यू प्लांट को जनरेट करता है। इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसमें कोई एक्स प्लांट या फिर पेरेंटल प्लांट से एक नया ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है।